नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईफएम सिक्योरिटी में। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं जो बहुत ज़्यादा एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है और मेरे कमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि हम लोग सीसीटीवी सिक्योरिटी सिस्टम से रिलेटेड बिजनेस को करते हैं, उससे रिलेटेड हमारा चैनल भी है, तो हम लोग हमेशा इसके बारे में बात करते हैं और ये अक्सर मेड इन चाइना प्रोडक्ट होता है। डब्बे में मेक इन इंडिया लिखा हुआ होता है, लेकिन जो क्लियर कॉन्सेप्ट वो समझ लीजिए, चाइना से वो सारे प्रोडक्ट आते हैं, इंडिया में असेंबल्ड होते हैं। कुछ प्रोडक्ट जो कि वायर वगैरह हैं, कुछ प्रोडक्ट ही जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं। लगभग 80% जो प्रोडक्ट होते हैं वो आपका जो बाहर से ही आता है, आपका चाइना से ही आता है। ये एक प्रॉब्लम, एक समस्या है। और एक हैशटैग जो ट्रेंड कर रहा है, बायकॉट चाइना, चाइना के प्रोडक्ट को बायकॉट करना है, चूँकि ये जो डिजीज़ है, ये जो परेशानी जो हम लोग देख रहे हैं लॉकडाउन वाली, ये सारी चीज़ें जो है, सारी कहानी जो पूरी दुनिया परेशानी में पड़ गई है, इसका एकमात्र कारण है चाइना। ये हम लोग मान रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं और ये सच भी है। लेकिन अब प्रैक्टिकल में अगर आके हम लोग देखें किस हद तक, मेरी दिली तमन्ना भी है और मैं खुद ये भी चाहता हूँ कि हमारा इंडिया का कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिसको हम लोग प्रमोट करें, उसके बारे में हम लोग बात करें और उससे रिलेटेड जो है मैं वीडियो भी बनाऊँ। लेकिन सवाल ये होता है कि मैक्सिमम हमारे सीसीटीवी सिक्योरिटी कैमराज के जो प्रोडक्ट होते हैं वो आपके चाइना से जो है वो आते हैं। तो अब कहानी ये हो कि क्या बायकॉट चाइना, ये जो ट्रेंड जो हैशटैग जो ये चल रहा है, ये जो ट्रेंड कर रहा है, ये कीवर्ड, क्या ये सही है? क्या हम लोग प्रैक्टिकली इसको हम लोग यूज़ मतलब कि महसूस कर पाएंगे, समझ पाएंगे या इसके अकॉर्डिंग चल पाएंगे? मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि ये प्रैक्टिकली है। आप अपना राय भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। देखिए सिंपल सी बात है, अभी जो पूरी दुनिया के हालात है, चलिए मान के चलते हैं कि चाइना के प्रोडक्ट हम लोग बायकॉट कर दिए, हम लोग चाइना के प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करते हैं, चाइना के सीसीटीवी सिक्योरिटी सिस्टम को भी हम लोग चले प्रमोट नहीं करते हैं, उसके बारे में बात ही नहीं करते, यूज़ ही नहीं करते, हटाइए। अब बात आती है कि क्या अब US के प्रोडक्ट हैं, आपके UK के प्रोडक्ट हैं, साउथ कोरिया के प्रोडक्ट हैं, अब इन सभी के बारे में भी बात करूं तो पूरी दुनिया की ये जो डिजीज़, जो प्रॉब्लम जो चल रही है पूरी दुनिया में, लॉकडाउन पूरे वर्ल्ड में है, शायद ही कुछ कंट्री को छोड़ के। अब परेशानी ये है कि कहीं से भी प्रोडक्ट मिलना मुश्किल है, और अगर वो प्रोडक्ट किसी भी सूरत हाल में अगर हमारे पास आते हैं तो क्या हम लोग समझ पाएंगे उसका जो पेमेंट होता है या उसका जो कॉस्ट होता है, हम लोग पे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिकल में ये बात है, हम लोग उसे पे नहीं कर पाएंगे। और रही बात आपके चाइना से जो भी प्रोडक्ट आते हैं वो काफ़ी सस्ते होते हैं, और इसलिए हम लोग ये जो है अभी जो टेक्नोलॉजिकल जो टेक्निकल बूम जो हम लोग कहते हैं, डिजिटल क्रांति हम लोग जो कहते हैं, ये आपके चाइना का बहुत बड़ा रोल है। हमारे इंडिया में, इंडिया की बात करूँ तो चाहे आप Jio Fi यूज़ कर रहे हैं, मेड इन चाइना प्रोडक्ट है, आप Redmi का जो फ़ोन यूज़ करते हैं, Xiaomi का फ़ोन यूज़ करते हैं, Realme का फ़ोन, Oppo का, Vivo के, सारे मेड इन चाइना प्रोडक्ट है। अब आप उस चाइना के ही उस स्मार्टफोन से ट्विटर पे या फेसबुक पर ये कहते हैं कि चाइना के प्रोडक्ट को बायकॉट करना चाहिए, तो ये लॉजिकल नहीं है, इलॉजिकल है। इसलिए पहले तो इस चीज को समझ लें कि जो भी मुझे कमेंट कर रहे हैं कि चाइना के प्रोडक्ट को बायकॉट करना है, एक विजन को नहीं, सीवी प्लस को नहीं, ये सारे प्रोडक्ट के बारे में आप छोड़ दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, ये सारे जो बेतुका बेवकूफ़ी वाले बातें ना कीजिए। अभी इंडिया में जो भी अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि चाइना से बहुत तरह के N95 मास्क आए हैं, और भी जो भी मेडिकली जो इक्विपमेंट्स वगैरह हैं जो बहुत ज़रूरी है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, जो कि हम लोग सफ़र कर रहे हैं इस परेशानी से, वहाँ बहुत तरह चाइना भी मदद कर रहा है, चाइना से आ रहा है, हम लोग खरीद रहे हैं। अब वहाँ पर बायकॉट आप लोग क्यों नहीं कर दे? बायकॉट और ये सारी चीज़ें जो है ना, अभी तक इंडिया में रियल में मैं बताऊं कि फुलझड़ी पटाखे और वो लड़ियां जो लाइट है ना वहीं तक रह गया, इससे ऊपर कभी चला ही नहीं। प्रोजेक्टर यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, बहुत तरह के आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जिसमें चाइना के जो हैं वो यूज़ होते हैं प्रोडक्ट, चाइना के इक्विपमेंट्स वगैरह यूज़ होते हैं। अब किस हद से हम लोग बात करें कि क्या बायकॉट चाइना सही है, ये बिल्कुल ही निहायती बेवकूफ़ाना वाली बात है। हम लोग बेवकूफ़ी से इस बात को अगर कोई शेयर भी कर देता है तो ये एक बेवकूफ़ी भरा डिसीजन होगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को कोई भी प्रोडक्ट हम लोग सेल करते या परचेज करते, चाहे वो US का, चाहे UK को, या आपका चाइना को, हम लोग जिस भी प्रोडक्ट को, चाइना के प्रोडक्ट को आप अगर छोड़ देंगे तो डिजिटल क्रांति वाली जो बात है, जितना आगे हम लोग चलेंगे वो फिलहाल नहीं होगा। दूसरी बात,
आप अभी जो मजबूरी में ही सही, चलिए आप मान भी चल लेते हैं कि एक तो आपके इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उतनी नहीं है, इंडिया में मैन्युफैक्चर हो ही नहीं रहा है, इंडिया में डिजिटल क्रांति नहीं हो सकती फिलहाल, ये आपको पता है। टेक्नोलॉजिकल हम लोग कितना डेवलप्ड है, हमारा माइंड कितना डेवलप है, हम लोग सभी जान ही रहे हैं। तो टेक्निकल स्किल की जो है वो प्रॉब्लम है हमारे देश में। हम लोग चाइना से जो भी प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, अब चाइना से अगर आप नहीं लेते हैं तो आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे, फिलहाल ऐसे कंडीशन हो गई। पहले तो आपको जो है वो ज़रूरत था और अब मजबूरी भी हो जाएगी कुछ दिनों के बाद, क्योंकि चाइना में सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे नॉर्मल हो चुकी है, मगर पूरी दुनिया में नॉर्मल नहीं है। ऐसे कंडीशन में आपको उनसे परचेस करना होगा। तो यहाँ तक भी जो है ये, अगर हमें बायकॉट चाइना वाले बातों को जो है सीरियसली लेना है ना, तो हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम को बहुत ही मजबूत होना होगा, बहुत ही जो है स्किल्ड फुल होना होगा, उसको स्किल पे ट्रांसफ़र करना होगा। ये जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, सारी चीज़ें अपने जगह पर हैं, टेक्निकली इम्प्रूवमेंट चाहिए एजुकेशन सिस्टम में। बचपन से ही कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन हमेशा देना होगा, तब जाके कुछ नया हम लोग कर सकते हैं, वो भी आफ्टर 10 से 15 ईयर्स के बाद, या 10 साल भी मान लें कि नेक्स्ट 10 ईयर्स अगर हम लोग अभी से प्लान बनाएं तो नेक्स्ट 10 ईयर्स जो है कुछ बड़ा हो जाएगा हमारे इंडिया में, और हो सकता है कि हम लोग चाइना से भी ज़्यादा बृहद स्तर पे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करें। लेकिन फिलहाल की कंडीशन ये है कि बायकॉट चाइना वाली बातें मुझे समझ में नहीं आई। अगर आपका कोई लॉजिकल तर्क है तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं चाइना का जो है प्रोडक्ट का जो है मैं उतनी बड़ाई नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे उसके प्रोडक्ट उतने भी अच्छे नहीं लगते। मेरी दिली तमन्ना है कि हमारे इंडिया के अभी ऐसा कुछ हो जो मैं प्रमोट करूँ, उसके बारे में वीडियो बनाऊँ, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। और ये सारी बातें जो है बेवकूफ़ी वाली बातें हैं, फिलहाल अभी इस पर हम लोगों को नहीं सोचना है। और जो लॉकडाउन की जो स्थिति बनी है, इससे जो हमारे बिजनेस को नुकसान होगा, इसको हम लोग कैसे रिकवर करेंगे, इसके बारे में सोचना। मैं कुछ वीडियोस और लाऊंगा कि हम लोग आगे क्या कर सकते हैं इस पर। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।